हरियाणा विधानसभा चुनाव में जेजेपी और बीएसपी एक साथ चुनावी मैदान में उतरेंगी। जेजेपी 50 और बीएसपी 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गठबंधन की जानकारी दी है। 16 अगस्त को गृहमंत्री अमित शाह कुरुक्षेत्र का दौरा करेंगे, जिसकी जानकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्ण बेदी ने दी। शाह के दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शाह का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चरखी दादरी को 70 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी है। साथ ही सीएम मनोहर ने कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। हरियाणा सरकार में कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने एक पेड़ शहीदों के नाम कार्यक्रम की शुरुआत की है। कार्यक्रम के तहत बादली विधानसभा क्षेत्र में 68,000 पौधों का वितरण किया गया। लोगों ने धनखड़ के इस कार्य की खूब सराहना की। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा 18 अगस्त को रोहतक में होने वाली महापरिवर्तन रैली की तैयारियों में जुट गए हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं को रैली में आमंत्रित करने के लिए हुड्डा फरीदाबाद पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने हुड्डा का जोरदार स्वागत किया। झज्जर में धूमधाम के साथ राहगीरी दिवस मनाया गया। इस मौके पर प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया। देशभक्ति और हरियाणवी गीतों पर लोग जमकर थिरके। रतिया के गांव बाड़ा में मिडिल स्कूल की हालत खस्ता है। स्कूल में बच्चों के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है। अध्यापक बच्चों से स्कूल की सफाई करवा रहे हैं। बच्चे स्कूल में झाड़ू लगाने को मजबूर हैं। न्याय की आस में पुलिस थाने पहुंची महिला के साथ पुलिस इंस्पेक्टर ने रेप किया। महिला का आरोप है कि मुकदमे में मदद करने के बहाने इंस्पेक्टर ने उसका यौन शोषण किया। महिला का वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी भी दी। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर पुलिस इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। रतिया में चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। दो दिन में लगातार हुई चोरी की दूसरी घटना ने लोगों को सकते में डाल दिया है। चोर सरस्वती राइस मिल के दफ्तर के ताले को तोड़कर लगभग 1,00,000 रुपए का सामान लेकर फरार हो गए। मिल पर पहुंचने पर राइस मिल के मालिक को चोरी की घटना की जानकारी हुई। पंचकुला में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर पर कुछ शरारती तत्वों ने काले पोत दी। घटना के बाद अंबेडकर समाज के लोग आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। वहीं पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।